नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज मैं आ चुका हूँ ग्राम ढकपुरा डिस्ट्रिक्ट एटा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस खेत में आलू की गड़ाई हो चुकी है। आज 30 सितंबर 2024 को मैं इस खेत में हूँ। इस खेत में कल आलू की गड़ाई हुई थी और आप इस तरफ देख सकते हैं ये काली नदी है और काली नदी के उस पार मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट लगती है और इस तरफ एटा डिस्ट्रिक्ट। और अभी हमारे साथ जो किसान हैं इनसे पूछेंगे कि गड़ाई जो 29 सितंबर को हुई थी कल, तो इसमें क्या कैसी पैदावार रहेगी और ये आलू जो गल रहा था पिछले दिनों जो लगाया गया था, गलेगा या नहीं गलेगा और आलू कितना निकल लगा है और आलू के बारे में समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आलू चाषी देर निर्भर चुको आलू बीज ब्रांड रंजीत थीन फार्म कृषक देर प्रथम पसंद रंजीत सिंह क्लियर मार्का बीज सुस्थ फसलेर गारंटी कृषक संतुष्टि পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। রঞ্জিত থিন ফার্ম জলন্ধর পাঞ্জাব। মোবাইল নাম্বার 9915225757 অথবা 9417347738। নমস্কার ভাই সাহেব। নমস্কার নমস্কার। আপনার কি নাম হয়? কৌশল কিশোর। ये अभी हम किस जगह पे खड़े हैं? ये ग्राम ढकपुरा में खड़े हैं, जिला एटा लगता है और उधर मैनपुरी लगता है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ये काली नदी के उस पार मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट लगता है और ये जो हम ढकपुरा ग्राम में हैं, आलू की गड़ाई हो चुकी है। तो ये कब आलू गड़ाया गया था? ये कल आलू 29 तारीख को। कल 29 तारीख को लगाया गया था। हाँ। और लगभग अभी जो आज के समय में कितना आलू कोल्ड से निकल कर आ गया और कितना लग चुका होगा? लगभग 20% निकल के आ गया, 5% लग गया होगा। 20% आ चुका है। हाँ। और जो बारिश हुई थी आज से 4-5 दिन 8 दिन पहले, उस बारिश के वजह से आलू कितना लेट हुआ है अभी? उस बारिश से वजह से समझे 15 दिन आ लेट हो गया। वैसे अगर बारिश नहीं हुई होती तो इस खेत में जो आलू आज 29 सितंबर को लगाया गया है और मैं 30 सितंबर को इस खेत में हूँ, तो कितने दिन पहले इस खेत में लग गया होता? कम से कम 15 तारीख को लगा दिया जाता। चाषी देर एकमात्र भरोसा जोशन फार्म। ज्योति होक बा पोखराज, हिमालयनी होक बा सुपर सिक्स, सब धरनेर आलू बीजेर विश्वस्त ब्रांड जोशन फार्म। रोग मुक्त आलू बीज फलनेर राजा, गुणगत मान ओ दक्षतार साथे तैरी नम्बर 1 बायोटेक आलू बीजेर नाम जोशन फार्म। जोगाजोग जोशन फार्म बाई बिल्ला जोशन 9417292279 अथवा प्रभुजीत सिंह जोशन 9464971504। 15 दिन आलू लेट हुआ है बारिश की वजह से। हाँ। तो आप ये जो आलू है आप एक बार दिखा दीजिए कि कितना दूर और कैसा लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये वीडियो में दिखा रहे हैं, ये जो बीजा होता है गुल्ली आलू की, वो लगाई गई है। गुल्ली आलू अगर थोड़ा गर्मी में ये हाई टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेती है। आप देख सकते हैं वीडियो में दिखा रहे हैं आपको आलू। और 30 सितंबर को हम वीडियो बना रहे हैं ग्राम ढकपुरा और डिस्ट्रिक्ट एटा में। और लगभग यहाँ के किसान बता रहे हैं 20% आलू कोल्ड स्टोर से निकाल के आ गया है और 5% आलू की गड़ाई हो चुकी है और 8 दिन में आलू की गड़ाई धूमधाम से होने लगेगी। आपको हम दिखा रहे हैं इस वीडियो में आलू, आप देख सकते हैं 8 दिन में आलू की गड़ाई बहुत ही धूमधाम से होने लगेगी। और ये अभी लगभग 10 दिन तक आलू जो हमने वीडियो में दिखाया था, जो बीजा गुल्ला आलू गड़ाया जा रहा है, गुल्ला आलू की गड़ाई चलेगी और 10 दिन के बाद जो जिसको आलू को काट कर पीस करके गड़ाया जाएगा, जिसको कतरिया बोलते हैं, और आलू की धूमधाम से गड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। পঞ্জাবের উন্নতমানের এক নম্বর বায়োটেক আলু বীজ কং এগ্রিফার্ম, কুফরি জ্যোতি পোখরাজ, হিমালিনী চন্দ্রমুখী সুপার সিক্স, কুফরি উদয় 7008, মোহন সঙ্গম খ্যাতি ও সুখ্যাতি আলু বীজের বুকিং চলছে। এখানে ব্রিডার এবং বায়োটেক টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আলু বীজ উৎপাদন করা হয়। কং এগ্রিফার্ম, কং কোল্ড স্টোর, লালিয়া কালান, জলন্ধর, পঞ্জাব। और जहाँ मोटी मिट्टी है वहाँ पर अभी लगभग 15 से 20 दिन अभी कहीं कहीं पर पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से, मोटी मिट्टी में अभी लगभग 15 से 20 दिन आलू की गड़ाई नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये हम मिट्टी आपको दिखा रहे हैं, रेतीली मिट्टी है। और अभी हम काली नदी के किनारे पर खड़ा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर नदी चल रही है और
ये जो हम नदी के उस पार, ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट लगता है, और इस तरफ हम एटा डिस्ट्रिक्ट में अभी खड़ा हूँ। और जो ये एटा और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर आलू ग्राम ढकपुरा में आलू की गड़ाई हो चुकी है, और ये 29 सितंबर को आलू की गड़ाई हुई थी, और आज 30 सितंबर 2024 को आप देख सकते हैं वीडियो में आलू की गड़ाई हो चुकी है। और इसी प्रकार की आलू संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।